नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। उत्तराखंड में निकलने वाली लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे चंपावत जिले की, जो प्रत्यावेदन लिस्ट थी वो आ चुकी है फाइनली। इसमें DL कैंडिडेट 900 प्लस में DL कैंडिडेट, BA दोनों की लिस्ट अभी आ चुकी है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही। जैसे वो कन्वर्ट होती है हम टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर देंगे। तो जितने भी DL कैंडिडेट हैं जिन्होंने चंपावत जिले से भरा था, तो उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। आपका अगर PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से इस PDF को ले सकते हो, और हमारे वहाँ पे मैंने इसको सेंड कर दिया है। और इसमें बात करते हैं प्रत्यावेदन की, तो ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी चंपावत के द्वारा प्रेषित किया गया है। इसमें 900 कैंडिडेट हैं और 9 पेज हैं इसमें टोटल, काफ़ी लंबी संख्या है इसमें। तो मैं एक दो नाम पढ़ देता हूँ जिनको प्रत्यावेदन करना है। इनका नाम ये है BEd मार्क्स ग्रेड इन डॉक्यूमेंट मार्क्स इन ऑफिशियल लेटर। आपके जो BEd के मार्क्स हैं, ग्रेड है, डॉक्यूमेंट और मार्क्स, उनको आपको लगाना है उनकी कॉपी। डिफरेंस मार्क्स हाई स्कूल इंटरनेट सर्टिफिकेट, आपके जो 10th के सर्टिफिकेट है और 12th के, वो लगाने हैं आपको। ये DL की लिस्ट है ओनली। अगर BEd की लिस्ट में आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, वो कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है। ये TT का है, इसमें DL प्रमाण पत्र अलग नहीं है। इसमें ET डिप्लोमा है और BA का अंक सूत्र का मूल प्रति, वो लगाना है आपको। और सेना शिक्षा कोर्स से संबंध है इनका। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ ये जिनका क्लियर उनके नाम के आगे कुछ भी नहीं है, जिनके यहाँ पे TT का अंक पत्र अलग नहीं है, तो इनको TT का लगाना है। जहाँ पे TT का अंक पत्र अलग नहीं है, इनको TT का लगाना है अपना सर्टिफिकेट फोटोकॉपी द्वारा। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप टेलीग्राम चैनल से लिंक ले सकते हैं। अगर किसी को भी प्रत्यावेदन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप ले सकते हैं। और जैसे इसकी BEd वालों की लिस्ट आती है, मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। ये DL वालों की लिस्ट है, DL वाले में आप लगा सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, 900 प्लस कैंडिडेट DL वाले हैं यहाँ से। तो पहले बार इतना DL वालों को मिलेगी, उसके बाद BEd वालों को मिलेगी। तो ये BEd वालों की लिस्ट DL वालों की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ और अपडेट आता है तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसका प्रत्यावेदन कैसे करना है और कब तक करना है, या ईमेल से करना है, बाय पोस्ट करना है, उसको वो भी आपको चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पूरी सहायता कर दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्रत्यावेदन के बारे में कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कुछ और अपडेट आता है आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।